अरे बोलने तो एजेंडे पे भेजी मत हुई है। मैंने क्या किया, 2014 में उन्हीं अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए ना, किस अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट हुई क्या? नहीं पूछ पा रहे आप उनसे, डर के मारे पूछे कि बीजेपी के खिलाफ जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2014 में आपने सवाल उठाया तो मैं जवाब दे रहा हूँ कि 2014 में जब पता चला है गलत बिल्डिंग बनाई जा रही है, अधिकारी लिप्त है, तो 26 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई और उसके कार्रवाई के आदेश दिए गए। लेकिन 2017 में जब बीजेपी की सरकार आती है, क्या इन्होंने 26 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की? वो अधिकारी वहीं के वहीं है, जस के तस है, ये उनकी मदद करते रहे। इसलिए मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारों के साथ खड़ी है, भ्रष्टाचार पार्टी है, इसमें लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। रोडों के कंस्ट्रक्शन में भ्रष्टाचार, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार, हेल्थ डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार। 2014 में उनके जांच के आदेश हुए और जांच चलती रही, उसके बाद जब चार्जशीट का समय आया तो मेरी सरकार चली गई, तो इन्होंने उसमें चार्जशीट फाइल क्यों नहीं की? क्यों नहीं उनको जेल के अंदर डाला? क्यों अधिकारी काम करते रहे? क्यों भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भ्रष्टाचार में लिप्त रहे? आनंद जी, मैं तो कहूंगा कि आज समाजवादी पार्टी के जो साथी अनुराग भदौरिया हैं, थोड़ा सहानुभूति उनके साथ रखनी चाहिए। अगर आप अभी रिवाइंड करेंगे, चेहरे देख लीजिए, कितना दुख है, कितना चेहरे लटके हुए हैं। ट्विन टावर का भ्रष्टाचार गिरा है, निश्चित तौर पे हिस्सेदारी कहाँ कहाँ गई है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप उस बिल्डर से पूछिए, बिल्डर ने एफिडेविट में और तमाम पूछताछ में क्या बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर 1000 रुपए स्क्वायर मीटर सरकारी पैसा जमा किया गया तो 10,000 रुपए स्क्वायर मीटर नेताओं और अफसरों की जेब में गया। किसकी जेब में गया वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। और आज योगी जी ने डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया है। तो अनुराग भदौरिया का चेहरा देख लीजिए, मनोस्थिति उनकी देख लीजिए, ये क्या बोले जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अरे 2014 में जब हाईकोर्ट ने इनसे कहा कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन रोक दो, बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए, इन्होंने बकायदे अफसरों को निर्देश दिया, पुलिस लगाई, कॉलोनी के लोगों को घुसने नहीं दिया, सोसाइटी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराई कि नहीं, रात दिन काम होगा। आप देखिए एफिडेविट पढ़िए, कोर्ट की प्रोसीडिंग पढ़िए कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिन रात काम कराया और ये टावर 12 टावर से होता होता 32 टावर तक पहुंच गया। और कार्रवाई किसके खिलाफ करेंगे? ये खुद इन्होंने अधिकारियों को इन्होंने प्रेशराइज किया, उनसे दस्तखत कराए, ये भला कार्रवाई कर सकते हैं? कार्रवाई हुई है 17 के बाद, 26 लोग सस्पेंड किए गए हैं।